रुपए है, बैठ जाइए। धन्यवाद महोदय। कैसे हैं आप सब? अच्छे। ठीक है। Yes, sir. आज हम कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे? क्षितिज। क्षितिज। अच्छा, पढ़ने से पहले क्या मुझे ये बताएंगे कि आजादी में जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया है उनके नाम बता सकते हैं आप? Yes, sir. कौन कौन है वे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। जिन व्यक्तियों के नाम आपने मुझे अभी बताए उनमें से किसी एक व्यक्ति को नेताजी की उपाधि दी गई है, नेताजी के नाम से पुकारा जाता है, बता सकते हैं वो कौन है? Yes, sir. कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी के चश्मे पर एक कहानी बनाई गई है, कहानी लिखी गई है, क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम इसी चश्मे पर बनी हुई एक कहानी जो हमारा अध्याय 10 है, पार्ट 10 है, उसे पढ़ेंगे। तो निकालिए आप पार्ट 10। ठीक है, इस कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा कहानी। को हम क्या कहते हैं और उसका रीजन भी बताएगा कि किस तरीके से इसने इनको पहचाना कि ये कौन सा दर्पण है। आप ले सकते हैं और आप मुझे इनके नाम बताएं। कौन सा अवतल दर्पण? ये अवतल दर्पण है। साहिल कह रहा है कि ये अवतल दर्पण है। और दूसरा कौन सा उत्तल? ये उत्तल है और ये अवतल है। ये उत्तल क्यों है? इसमें भी पीछे को है। मैं आपके ही एक पॉइंट को लूंगा जो आपने बोला सही है वो कि इन दो दर्पणों की पहचान करने का सबसे आसान तरीका इन दोनों दर्पणों को अपने सामने रखो। ये रख दिए ऐसे, जैसे आप देख सकते हो ऐसे रख दीजिए। जिस दर्पण में आपको अपनी शक्ल नजर आएगी सीधी और साफ, वो दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। और जिसमें शकल या गूगल सर्च इंजन में आप HRTC सर्च करोगे तो आपको बस वेबसाइट मिल जाएगी। और एक booking.com है, अगर आप होटल्स की बस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, टैक्सी बुकिंग करना चाहते हो तो आप booking.com को भी यूज कर सकते हो। तो सब बच्चे यहां देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, इस प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। और हमारा जो है ये मैंने गूगल क्रोम खोला। अब गूगल क्रोम में हम कौन सी साइट खोल लेते हैं? amazon.in। तो amazon.in में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहां साइन इन की ऑप्शन आती है, वहां से आप इसको लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे इसमें है हमारे पास ये इसका पेज आ रहा है, तो Amazon पे में ये जो ऑप्शंस हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ट्रेन टिकट है, फिर हमारे पास क्रेडिट कार्ड बस टिकट है, और देखो गेट 12% बैक, 12% आपको वापिस मिलेगा। मतलब कि अगर आप 1000 रुपए की टिकट बुक करते हो तो आपको 120 रुपए वापिस मिलेंगे। तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज में ऑफर्स मिलते हैं, डिस्काउंट मिलता है। कोई दुकानदार देता है आपको डिस्काउंट? आप सभी का प्लस टू इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पढ़ाई का जो रहेगा वो है सन 1857 ईस्वी के व्याख्यान। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की
चार पंक्तियां आप लोगों के सामने कहना चाहूंगी जो रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, क्योंकि 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का महत्वपूर्ण योगदान था। तो मेरी चार पंक्तियां इस तरह से हैं, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 1857 ईस्वी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, तांत्या चौपे, नाना साहेब, कुमार कमर सिंह इत्यादि अनेक लोगों ने नशा जो करता है इंसान, नशा जो करता है इंसान, उसका कभी ना होता कल्याण। नशे की लत जो जारी है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। मेले लगते हैं शमशानों में, मेले लगते हैं शमशानों में, आज उसकी तो कल अपनी बारी है। परम सम्मान्य नीरक्षीर विवेकी निर्णायक मंडल, सोशल मीडिया में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं अंशुल ठाकुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नित्थर की छात्रा, आप लोगों के समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ, उसका शीर्षक है तंबाकू विरोधी दिवस। तंबाकू विरोधी दिवस 1988 से हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को नशे के प्रति जागरूक करना है। नशा एक ऐसी समस्या है जो मनुष्य को अंदर से खोखला बना देता है। नशे से बहुत सी बीमारियां होती है, जैसे कैंसर, ब्लड प्रेशर आदि जैसी बहुत सी समस्याएं। हमारे देश में नशे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हमारे देश के युवा नशे के चंगुल में इस प्रकार फंस रहे हैं जैसे एक शिकारी अपने शिकार को फंसाता है। एक अनुमान के अनुसार Good morning everyone, myself Ashita Kashyap and I am the student of class 12. Today I am here to present my model based on face-centered cubic cell which belongs to chemistry. First of all the question arises that what is face-centered cubic cell? It's a type of solid which tells us how particles are arranged in different manners, in different style. It's a type of crystalline solid which means a crystalline solid is a solid which has a definite shape, a static rearrangement of particles as well as a sharp melting point. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब आप छोटे थे तो छोटी छोटी क्लासेस में like 6, 7, 8 में हमें ये बता दिया जाता है that in whole universe there are 3 states of matter, solid, liquid, gas. Liquid gas की बात नहीं करूंगी मैं because मेरा जो model है वो solid पे based है. So let's talk about solid. Solid, what is solid? It means in which particles are tightly packed. Solid which जहाँ हम अपने फलों, सब्जियों और अन्य उत्पादों को भंडारित कर सकते हैं ताकि वे जल्दी खराब ना हो और बाजार में मांग और सप्लाई के लिए संतुलन बनाया जा सके। ये सोलर पैनल है, ये बहुत से फोटोवोल्टेक सेल्स से बना है। ये फोटोवोल्टेक सेल्स सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये लेड एसिड बैटरी है, ये लेड एसिड बैटरी इस पूरे कूलिंग सिस्टम को ठंडा करने में मदद करती है। ये फैन है, ये फैन कूलिंग करने में मदद करता है। ये स्विच है, ये स्विच सोलर पैनल से लेड एसिड बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाने के लिए है। ये पावर स्विच है, ये स्विच इस पूरे सिस्टम को ऑन ऑफ करने में मदद करता है। और ये डिजिटल थर्मामीटर है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी से 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोठी में हुए कोविड 19 की टेस्ट सैंपलिंग से अवगत करवाना चाहती हूँ, जिसका सर्वे मैंने और मेरे सहयोगी सौरभ और कुलदीप ने 19 फरवरी को किया। इस सर्वे रिपोर्ट की हमने एक ग्राफ तैयार की जिसको हमने एज वाइज और पॉजिटिव केसेस को परसेंटेज वाइज निकाला। हमारे पास टोटल टेस्ट सैंपलिंग 346 हुई, जिसमें से हमारे पास पॉजिटिव केस 28 आए और नेगेटिव केस 318 निकले। एज वाइज 0 से
10 एज ग्रुप के मध्य हमारे पास टोटल 12 सैंपलिंग हुई, जिसमें से 6 पॉजिटिव आए और 6 नेगेटिव आए। इसकी परसेंटेज हमारे पास 50% निकली। इसमें एक खास बात यह है कि इसमें एक बच्चा जो कि मात्र 45 दिन का था, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद 11 से 20 आयु के मध्य हमारे पास 159 सैंपलिंग हुई, जिसमें से 2 पॉजिटिव पाए गए। और इसकी